हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने आपसे बात किया था कि क्लास ट्वेल्थ का क्या है, नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका नया बैच स्टार्ट होता है। क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है जो लेसन है द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोन डाउटेड, इसके राइटर हैं। इसमें बात किया गया है लास्ट लेसन, मतलब एक छोटा सा लड़का होता है, कह रहे हैं कि जो अपने स्कूल में जाता है और उस दिन एक नई नियम लागू होता है। तो टीचर्स बोलते हैं आज बेटा, आज आपके दिन का क्या है कि लास्ट लेसन है, इसके बाद कल से नया नियम लागू हो जाएगा। इसी के बारे में बताया गया है। तो आज हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसके कंटेंट्स के बारे में बता दिया था, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कंटेंट्स लिख लिए होंगे। तो आइए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर वन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। राइटर हैं अल्फोंस डाउटेड, इसके राइटर हैं। तो आइए अब हम चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आपको वीडियो, यानी जो भी आपको वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि कुछ लोग जो अन्य दूसरे चैनल्स पे क्या होता है कि आपको चैप्टर तो पढ़ा देते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं कराते। तो हम आपके जो भी इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उसे भी कराऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप उसे कमेंट करके बताइए। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर ग्रामर भी स्टार्ट करिए। तो देखो, अभी मेरा प्रैक्टिकल और पेपर चल रहा है। जैसे ही मेरा प्रैक्टिकल और पेपर ख़त्म होता है, मैं डिप्लोमा करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपका पर डे 2:30 बजे आपका पर डे क्या है कि ऑनलाइन क्लास चलेगा आपका ग्रामर का। कक्षा 11th और 12th का ग्रामर सेम है, तो दोनों का बैच जो है कंबाइन चलेगा ग्रामर का। और शाम को 6 बजे तो आपको बुक की पर डे ऑनलाइन क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो टाइम लगेगा। आज हम आधे ही चैप्टर के बारे में बात करेंगे, आधे नेक्स्ट डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा कह रहे हैं आई स्टार्टेड, कह रहे हैं मैंने शुरू किया। फार स्कूल मतलब स्कूल, वेरी लेट मतलब बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, कह रहे हैं उस सुबह मैं स्कूल के लिए, कह रहे हैं कि बहुत देरी से निकला, यानी निकला घर से। कह रहे हैं कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से घर से निकला। और कह रहे हैं एंड मतलब और, वाच मतलब था, इन ए ग्रेट ड्रीड मतलब एक डर था, ऑफ ए स्कॉल्टिंग मतलब डांट खाने का। कह रहे हैं कि मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। और कह रहे हैं स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, इसलिए कि मिस्टर हेमल, कह रहे हैं जो मिस्टर हेमल है, हैड सेड मतलब वह कह चुके थे डैट कि ही वुड क्वेश्चन अज, कि वह हमसे सवाल पूछेंगे। ऑन पार्टिसिपल्स मतलब क्या है, पार्टिसिपल के बारे में। फिर कह रहे हैं एंड आई डिड नॉट नो, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। लड़का कह रहा है कि बाबू आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि पार्टिसिपल के पहले अक्षर के बारे में भी नहीं जानता। कह रहे हैं कि द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कह रहे हैं उसके बारे में मुझे पहला अक्षर भी नहीं पता है। फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण बाद, आई थॉट मतलब मैं सोचा, ऑफ रनिंग वे कि मैं भाग जाऊँ, कि मैं चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरे दिन को बिताऊँ आउट ऑफ डोर मतलब घर से बाहर। कह रहे हैं कि मैं एक क्षण सोचा कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ और अपने पूरे दिन को क्या है घर से बाहर बिताऊँ। फिर कह रहे हैं इट वॉज सो वार्म, लेकिन बाहर का जो मौसम था बहुत गर्म था। असो ब्राइट, और कह रहे हैं बहुत चमकीला था। द वर्ड, जो चिड़िया थी बाबू, वेयर स्लीपिंग मतलब चहचहा रही थी। एट द इज मतलब किनारे पर, कौन से किनारे पर, ऑफ द वुड, वुड का मतलब यहाँ है जंगल से मतलब है, वुड्स मतलब जंगल के किनारे पर। कह रहे हैं जो चिड़िया है वह जंगल के किनारे पर क्या है, चहचहा रही हैं। एंड इन द पोया, इन द ओपन फील्ड, और कह रहे हैं कि खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द स्वामिल्स द प्यूरिसन प्यूरिस प्यूरियन सॉरी प्रूसियन शोल्डर वेयर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है जहाँ पर लकड़ी, यानी चारा, जहाँ पे लकड़ी कटती है, आरा मशीन होती है। कह रहे हैं कि उसके पीछे जो कह रहे हैं प्रूसियन शोल्डर यानी सिपाही है, वह क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि भैया जहाँ लकड़ी कटती है उस चारा मशीन के पीछे खुले मैदान में सभी प्यूरियस प्रूसियन के शोल्डर क्या है कि आपके अभ्यास कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। कह रहे हैं कि इट वॉज मतलब यह था, ऑल मच मोर मतलब अधिक, टेम्पटिंग मतलब मनमोहन, दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, कह रहे हैं पार्टिसिपल के नियमों से यह कहीं अत्यधिक मनमोहक था। कह रहे हैं बट आई हैड द स्ट्रेंथ, कह रहे हैं लेकिन मेरे अंदर इतना पावर था कि टू रेसिस्ट मतलब क्या है, मैं विरोध कर सकूं ना, कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतना पावर था मैं विरोध कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और कह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी क्या है स्कूल के लिए चला गया। तो कहने का आशय क्या है बाबू इसमें, कि कह रहे हैं कि मैं, वह लड़का कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल देरी से निकला, और कह रहे हैं कि मुझे डांट खाने का बहुत अधिक क्या है डर था, क्योंकि जो हेमल सर थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुमसे मैं पार्टिसिपल के बारे में पूछूंगा। फिर लड़का कहता है मुझे पार्टिसिपल के बारे में तो एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, और वह सोचता है कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ, अपने पूरे दिन को बिताऊँ।
और करें मौसम क्या है, बहुत गर्म था और ब्राइट भी था। फिर करें द वर्ड वेयर चिरिपिंग एट द ईज ऑफ द वुड, और करें जो चिड़िया हैं वह जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी। और जो सिपाही हैं बाबू कह रहे हैं कि आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे थे, और कह रहे हैं यह सब चीज़ें पार्टिसिपल के रूल से कहीं अधिक मनमोहक थी, और कह रहे हैं कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, कह रहे हैं मुझे इसका विरोध करने का बहुत अधिक शक्ति था, एंड हरीड आफ्टर स्कूल, और मैं स्कूल के लिए क्या है जल्दी जल्दी गया। तो आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो कह रहे हैं कि वेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल मतलब होता है सभागार। तो कह रहे हैं कि वेन मतलब जब, आई पास द टाउन मतलब कह रहे हैं कि टाउन हॉल करें जब मैं सभागार से गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट। तो कह रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है सूचना पट। तो कह रहे हैं कि वेन आई पास द टाउन, कह रहे हैं कि टाउन हॉल कह रहे हैं जैसे ही मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड कह रहे हैं वहाँ पर भीड़ लगी थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड कह रहे हैं सूचना पट्टी के सामने बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी। तो कह रहे हैं जो बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है क्या होता है बाबू, सूचना पट। तो कह रहे हैं जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। फिर कह रहे हैं फॉर द लिस्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज, कह रहे हैं कि भाई फॉर द लास्ट टू ईयर्स, कह रहे हैं कि कम से कम पिछले दो सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, अपने सभी खराब न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कह रहे हैं कि वहीं से आते थे, मतलब उसी सूचना पट से, कह रहे हैं कि हमारे पिछले दो वर्ष के सभी खराब न्यूज क्या है उसी सूचना पट से आते थे। और कह रहे हैं कि द लास्ट बैटल, कह रहे हैं कि हारे हुए युद्ध के समाचार, कह रहे हैं द ड्राफ्ट यानी कह रहे हैं कि समाचार, जो समाचार छोड़े गए हो, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कह रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर के क्या है कि ऑर्डर, कह रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर के कह रहे हैं अधिकारी के आदेशों के संबंधित समाचार, मतलब जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके कह रहे हैं कि आदेशों के क्या है कि संबंधित समाचार। और कह रहे हैं कि एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, मतलब कह रहे हैं कि मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके, कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो गई, कह रहे हैं कि बाबू कि अब क्या मैटर हो गई यानी अब क्या बात हो गई, कह रहे हैं कि मैं बिना रुके सोचा मन में, कह रहे हैं कि बिना रुके मैं सोचा कि अब क्या बात हो गई, देन मतलब तब आई हरीड, कह रहे हैं कि देन मतलब तब जैसे ही मैं, कह रहे हैं कि एज मतलब जैसे ही, आई मतलब मैं, हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहे हैं कि जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ा, तो द ब्लैक स्मिथ मतलब होता है क्या लोहार, कह रहे हैं कि वाक्टर नामक जो लोहार था, कह रहे हु वाज देयर विथ हिज, कह रहे हैं कि हु वाज देयर जो वहाँ था विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, कह रहे हैं अप्रेंटिस मतलब जो अपने प्रशिक्षण, कह रहे हैं कि जो अपने प्रशिक्षु के साथ था, और कह रहे हैं रीडिंग द बुलेटिन, और कह रहे हैं कि समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, कह रहे हैं मेरे पीछे से पुकारता है, डू नॉट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, बब मतलब क्या है कि लड़के का नाम लेकर कहते हैं कुछ भी, कि बाबू जो भी कुछ कहता हो, कह रहा है कि इतना तेज मत जाओ, इतनी जल्दी स्कूल मत जाओ ना। फिर कह रहे हैं कि यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत अधिक क्या है समय है, कहते हैं कि यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हें स्कूल पहुँचने के लिए, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए ढेर सारा क्या है बाबू समय है। ठीक है, तो तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, कह रहे हैं कि आई थॉट मतलब मैंने सोचा, कि ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कह रहे हैं कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, एंड और रीच्ड मतलब मैं पहुंचा मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, यानी कह रहे हैं कि हेमल के छोटे गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब गहरी सांस लेते हुए यानी हाँफते हुए, कह रहे हैं कि हाँफते हुए मैं, कह रहे हैं कि हेमल के क्या है बगीचे में यानी उनके गार्डन में पहुंचा। और कह रहे हैं यूजुअली मतलब आमतौर पर, कह रहे हैं व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता है, तो देयर वाज ए ग्रेट ब्लस्ट, कह रहे हैं ग्रेट ब्लस्ट मतलब होता है अफरे तफरी, कह रहे हैं जब स्कूल शुरू होता है तो कह रहे हैं कि देयर वाज ए ब्लस्ट, कह रहे हैं कि देयर वाज ए ग्रेट ब्लस्ट, तो कह रहे हैं स्कूल में बहुत अफरा तफरी होती है, कह रहे हैं विच मतलब जो कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कह रहे हैं कि विच मतलब जो कुड बी हियर्ड मतलब सुनाई देता था, आउट इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में, जो कह रहे हैं कि गलियों में सुनाई देता था, उसके बाद कह रहे हैं कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कह रहे हैं डेस्क का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, डेस्क मतलब समझते हो जैसे स्कूल में घुसते हो तो डेस्क को क्या करते हो, इधर से उधर करते हो ना, कि वो डेस्क को हटाने और
इधर से उधर घसकाने में जो उसका आवाज़ होता है, तो वही कह रहे हैं कि टेबल को यानी मेज को खोलना और बंद किया जाने का जो आवाज़ है ना, और करें लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और करें जो लेसन यानी पाठ याद करने का, यानी पाठ को याद करने का, यानी पाठ पढ़ने का, जो कह रहे हैं कि रिपीट मतलब दोहराने का, वेरी लाउड मतलब जोर जोर से जो आवाज़ है, कह रहे हैं कि पाठ को जोर जोर से जो पढ़ने का आवाज़ है, दोहराने का आवाज़ है, कह रहे हैं कि विदाउट हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कह रहे हैं बिना कानों पे हाथ लगाए करें अच्छे तरीके से सुना जा सकता था, कह रहे हैं कि बिना कान पे आवाज़ लगाए अच्छे तरीकों से सुना जा सकता था, और फिर कह रहे हैं एंड और द टीचर्स मतलब जो अध्यापक होते हैं ग्रेट रूरल्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कह रहे हैं जो टीचर होते हैं कह रहे हैं कि वह रैपिंग ऑन द टीचर मतलब सॉरी रैपिंग ऑन द टेबल मतलब कह रहे हैं टेबल के आसपास क्या है घूमते हुए दिखाई देते हैं, रैपिंग टेबल कह रहे हैं कि टेबल के आसपास क्या है घूमते हुए दिखाई देते हैं, बट कह रहे हैं नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, कह रहे हैं स्टिल सो स्टिल मतलब इतना शांत, कह रहे हैं कि बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल लेकिन इन सब के क्या था परे था, फिर कह रहे हैं कि आई हैड काउंटेड ऑफ द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कह रहे हैं कि आई हैव काउंटेड ऑन द कमीशन, कह रहे हैं मैं बिना चिल्लाए बिना शोरगुल किए टू गेट टू माई डेस्क, कह रहे हैं मैं अपने ब्रेंच तक जाना चाहता था विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को दिखाई दिए हुए, बट ऑफकोर्स लेकिन कह रहे हैं कि बट लेकिन ऑफकोर्स मतलब शायद दैट डे एवरीथिंग, कह रहे हैं दैट डे मतलब उस दिन एवरीथिंग मतलब सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, कह रहे हैं कि दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस दिन इतना शांत है जैसे कि सुबह यानी रविवार की सुबह, कह रहे हैं कि रविवार की सुबह की तरह उस दिन इतना शांत था, इतना शांति थी जैसे रविवार के दिन क्या हो सुबह हो, और फिर कह रहे हैं कि दो थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट, कह रहे हैं मैंने विंडो से अपने क्लासमेट यानी कह रहे हैं मैंने अपने सहपाठी को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस जो पहले से वो अपने स्थान पर था, एंड मिस्टर हेमल और कह रहे हैं जो मिस्टर हेमल थे वॉकिंग मतलब टहल रहे थे अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, आयरन रूलर मतलब अपनी छड़ी लिए हुए, टेरिबल मतलब भयानक, हिज आर्म्स मतलब अपने हाथों में, कह रहे जो मिस्टर हेमल भयानक छड़ी अपने हाथ में लिए हुए इधर से उधर टहल रहे थे, और कह रहे आई हैड टू ओपन द डोर, कह रहे मैंने दरवाजे को खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, कह रहे हैं कि आई हैड टू ओपन द डोर मैंने दरवाजे को खोला था एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और कह रहे मैं प्रत्येक व्यक्ति के सामने गया, और कह रहे यू कैन इमेजिन तुम कल्पना कर सकते हो हाउ आईज ब्लश्ड कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, ब्लश्ड मतलब शर्मिंदगी, एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज और मुझे कितना अधिक डर लगा होगा, कितना अधिक भय लगा होगा। अगला तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ा देंगे, और इस चैप्टर का PDF जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो हो नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, और जिन बच्चों के पास किताब है वो किताब लेकर बैठ के पढ़ेंगे, जिनके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या है कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे कह रहे हैं ग्रामर के लिए, ग्रामर जल्दी ही स्टार्ट होगा, बस पेपर हो जाए उसके बाद मैं आपको ग्रामर भी स्टार्ट करा दूंगा, तब तक आप लोग किताब पढ़ते रहिए, मैं किताब और क्वेश्चन आंसर सब नोट करा दूंगा ताकि आप घर बैठे ही क्वेश्चन आंसर और किताब को भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन आंसर की एक नोटबुक यानी कॉपी बना लीजिएगा ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने क्या कर सके नोटबुक यानी कॉपी में नोट कर सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।